वीडियो गाइस प्लीज़ पूरी देख लेना, आपको बताऊंगा कि आपको सेकंड हैंड लैपटॉप लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ठीक है। आपको दिखाता हूँ गाइस, मैंने ये वाला लिया गाइस, ये देखो ज़रा, HP का मेरे को पड़ा। MI का भाई वीडियो का प्रमोशन हो रहा है MI वालों को। तो गाइस मुझे गुस्सा इतना आया ना जब उसने मेरे को बोला कि भाई तेरे को अभी नहीं दे सकता मैं। गाइस पता है फिलहाल अभी आया हूँ मैं, फिलहाल सिद्धार्थ के घर पर आ रहा हूँ, ठीक है। और जब भी मैं इसके घर पे आता हूँ ना, इसका ना नीचे का गेट खुला रहता है, तो अब फिलहाल फायदा उठाते हैं, गेट खोलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है बंदा चुपचाप। चलते हैं फटाफट, देखो ये गाइस गेट है, ठीक है इसका, तो चलते हैं अंदर फटाफट। सो रखा पंखा चला हुआ है इसके अंदर। भाई वे ओ भाई वीडियो बनानी है यार, कहाँ सो रहा है? बंद कर यार भाई, बंद कर। अबे भाई वीडियो बनानी, कमेंट आ रही, उठ जल्दी उठ, वीडियो बनानी है गाइस। ये फिलहाल से कमरा यहाँ ये पड़ा रहता है पागलों की तरह। भाई उठ जा जल्दी, चल वीडियो। भाई पानी डाल दूंगा मैं जल्दी खड़ा हो, पानी डाल दूंगा मैं, खड़ा हो फटाफट, जल्दी खड़ा हो भाई, जल्दी खड़ा हो ना। तो गाइस आपको टोटली चीज़ें बताऊंगा कि आपको सेकंड हैंड लैपटॉप्स लेने चाहिए मार्केट में, नहीं लेने चाहिए, जो भी बात होगी आपसे क्लियरली मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसको मैंने जगा दिया है, बहुत मुश्किल जगह है बंदा, नीचे गाइस हमेशा गेट खुला रहता है बंदे का, ठीक है। तो फिलहाल अभी चलते कहाँ, किले पर, तो किले पर पहुँच के वहाँ से बात करते हैं आपसे। ज़रा पार्क का हाल देखो भाई, वहाँ बच्चे खेल रहे हैं, ये बंदा सो रहा है अपने मज़े में, अपना सिद्धार्थ आ रहा है पीछे पीछे। इस वाले लोकेशन में चलते हैं, कहाँ चले, उस वाले चलते हैं लोकेशन पर, ठीक चलता है क्या? तो गाइस फिलहाल अपनी लोकेशन के ऊपर आ चुके हैं हम, यहाँ देखो मेरी लोकेशन देखो ज़रा, आज यहाँ करने वाले शूट, ठीक है भाई सिद्धार्थ, यहाँ करेंगे शूट अपना। तो गाइस अब जो भी मेरे साथ स्कैम हुआ है या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है उसको, तो वो चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा मैं सारी बात, कि मैंने क्यों नहीं लिया पुराना लैपटॉप और क्यों मैंने नया लैपटॉप लिया, तो इस बारे में बात करते हैं। फिलहाल मैंने तो देखो नया लैपटॉप लिया था, ठीक है, जैसे मैंने इंस्टाग्राम पर अपने वो भी डाल दिया था, मैंने पोस्ट डाल दिया, मैंने अपने नया लैपटॉप ले लिया है। आपको एडिटिंग अब मतलब अच्छे लेवल पर आ जाएगी अपनी एडिटिंग, ठीक है। और मैंने फिलहाल अभी अब बहुत से लोग ये पूछे हैं किस एडिटिंग कर रहे हो, किस एडिटिंग कर रहे हो, गाइज मैं प्रीमियर प्रो से कर रहा हूँ, ठीक है, अडोब का है, प्रीमियर प्रो से कर रहा हूँ। और गाइज काफ़ी हार्ड था यार, इतने दिन मेरी वीडियो नहीं आ रही थी ना, थोड़ा बिजी हो गया था मैं, इस चक्कर में लगा हुआ था लैपटॉप कहाँ से लूँ कहाँ से ये फिलहाल। तो गाइज आपको मैं गाइज एक बात बताता हूँ, ठीक है, क्या सीन हुआ था। मैं गया था फिलहाल अभी, मैं तो गाइज लेके आया था अपना जो लैपटॉप था वो लेके आया था मैं क्रोमा से, क्रोमा मेरे को पड़ गया था 32 का, और 32 के करीब अप्रॉक्स पड़ गया था मेरे को वो। और मैंने फिर साथ साथ में इंश्योरेंस करा लिया, तो मुझे गाइस दो कंपनियां पसंद आई थी, एक तो होगी आपकी डेल और एक अच्छी लगी थी मेरे को आपकी HP। तो मैंने गाइस डेल, गाइस मेरे को पता है फीचर दोनों में सेम ही थे, ठीक है, मुझे वैसे लेना तो वही था, तो फीचर दोनों में सेम ही लगे मेरे को। तो फिलहाल मैंने देखा कि लुक, जो लुक है ना, एक गाइस कभी हम किसी के सामने काम करते हैं, वर्क करते हैं किसी के सामने, तो एक लुक भी बड़ी मैटर करती है, ठीक है, एक चीज़ एक जगह लुक भी अच्छी लगती है, फीचर काफ़ी हद तक अच्छे थे उसके अंदर। तो मेरे को HP अच्छा लगा क्योंकि इसमें इतनी अच्छी लग रहा था, पूरे मैक से कंपेयर हो रहा था, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को। तो फिर मैंने गाइस वो ले लिया, मैंने ले लिया फिर अपना HP ले लिया था। तो गाइस फिलहाल अभी बात करते हैं कि मैंने क्यों नहीं लिया सेकंड हैंड लैपटॉप, ठीक है। सेकंड हैंड लैपटॉप में गाइस मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखो मैं उनके पास गया भी था, मैं कैसे गया था, मेरा एक दोस्त है उसका नाम विक्रम है, ठीक है, स्कूल टाइम में मेरा काफ़ी अच्छा फ्रेंड था वो। तो मैंने उससे बात करी, भाई मेरे को ना सेकंड हैंड लैपटॉप चाहिए, मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा अपने, मेरे मतलब जो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स थे उनके ना मैसेज आ रहे, काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि भाई लैपटॉप के हमें वीडियो चाहिए, सेकंड हैंड लैपटॉप हमें कहाँ सस्ते मिल जाएंगे। तो मैंने उससे बात करी, तो कह रहे हैं भाई चलते हैं, मेरे से जान पहचान है इस। फिलहाल मेरे फिर दोस्त का कॉल आया कि भाई चलते हैं लेके आते तेरा लैपटॉप, ठीक है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, तो मैं चला गया था, मैं जगह का नाम भी लूँगा इस, फिर वही बात उठेगी फिर मेरे ऊपर एक्सपोज, मैं किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मेरे दोस्त का वो विक्रम का कॉल आया मेरे पास कि भाई चलते हैं तेरा लैपटॉप ले आते हैं आज। तो मैंने कहा चल यार, मुझे भी दिक्कत पड़ गया एडिटिंग में, फ़ोन से एडिटिंग में कब तक करूँगा। तो मैं चला गया लैपटॉप लेने के लिए गाइस। उसके बाद क्या सीन होता है, मेरे को लैपटॉप बिल्कुल पसंद आ गया, अच्छा लैपटॉप था, डेल कंपनी का था, लुक भी थोड़ी ठीक ठाक ही लगी मेरे को उसकी, और फीचर काफ़ी अच्छी थे, क्या नाम है, 8 GB रैम मिल रही थी, i7 मिल रहा था मेरे को, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा भैया कितने रुपये लगाओगे बताओ उसके, तो उसने कहा आपके लिए 14,000 का लग जाएगा, वो जो मैंने उसके नेट पर चेक करा तो वो करीबन था 60,000 का। तो मैंने कहा चलो रेट भी ठीक लग रहा है। और मैंने उनसे पूछा कि आप कितने इसकी क्या नाम है कितनी वारंटी दे रहे हो, कह रहा 1 महीना। मैं कहा चलो अच्छा, मैं तुम्हें पैसे सब कुछ दे रहा हूँ तो थोड़ी वारंटी तो गेन करो ना इसकी। तो मेरे से कहते हैं कि भाई हम वारंटी इतनी देते हैं। मगर चलो कोई बात नहीं, मैंने वह पैसे निकालने लगा जेब से, मगर चलो पैसे लो ये लो। तो कहता है कि अभी नहीं भैया, आपने पसंद कर लिया परसों आना लेने के लिए। मैं क्यों भाई, जब आपको जब अभी पैसे दे रहा हूँ मैं, तो मैं परसों क्यों आऊँगा, मुझे तो जरूर अभी एक काम, मुझे काम अब मैं मतलब लेने जब आऊँगा, मतलब
तो कहने लगा नहीं भाई अभी नहीं दे सकते। तो गाइस चलो मैंने उसको मना कर दिया, नहीं भाई मेरे को नहीं चाहिए, तू अभी नहीं दे रहा, मैं तेरे पास परसों क्या करूँगा लेकर इसको। तो गाइस पता क्या सीन हुआ, एक लड़का खड़ा था मेरे साथ में, वो उसका मतलब रोने सगल हो रही थी उसकी बिल्कुल। तो मैं जैसे शॉप से गाइस बाहर निकला ना, तो उसने मेरे को आगे बोला कि भैया आप क्या नाम है, आप लैपटॉप लेने आए हो? मैं कहा हाँ भाई लैपटॉप लेने आया था मैं। तो उसने पूछा क्या सीन हुआ, मैंने बताया उसको भाई मेरे साथ ये सीन हुआ, मैंने उसको बोला कि उसने दिया नहीं मेरे को लैपटॉप। तो कहने लगा भाई मेरे साथ भी यही हुआ था, इन्होंने पता क्या पहले मेरे को लैपटॉप दिखा दिया था, मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगा कि भाई मैंने इनसे लैपटॉप ले लिया, फिर मैं अगले दिन आ गया, पैसे उस दिन दे दिए, अगले दिन आ गया। तो उसने मेरे को बताया कि ये सीन क्या करते हैं, ये करते हैं उसमें अच्छा जो पार्ट होता है ना वो चीज़ निकाल लेते हैं और वैसी बुरी बुरी चीज़ डाल देते हैं उसके अंदर, ख़राब चीज़ डाल देते हैं कि ज़्यादा दिन वर्क ना करे, और जो उसमें अच्छी चीज़ होती है ना वो चीज़ निकाल लेते हैं। तो भाई मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसने मेरे को बताया कि भाई मेरे को प्रॉब्लम फेस हो रही है, एक तो हैंग काफ़ी हो रहा है, उसने मेरे को कहा था कि 8 GB रैम है इसके अंदर और हैंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा यार 8 GB रैम होती जल्दी हैंग हो जाए चीज़, उसमें कुछ अच्छी मतलब इतनी हैवी भी चीज़ भी नहीं डाल रखी उसके अंदर उसने। तो गाइस ये ना मुझे काफ़ी चीज़ गलत लगी कि उस बंदे ने उसने पूरे पैसे दिए उसको और उस हिसाब से कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो मेरे साथ भी गाइस यही सीन होना था, तो फिर मेरे को लगा कि चलो यार मेरे को नया ही लैपटॉप लेना चाहिए। ये गाइस ये बहुत गलत चीज़ है, मैं आपको कहूँगा अगर किसी अच्छी जान पहचान है तो ही जाओ लेने के लिए, पर अदरवाइज़ बिल्कुल ही मत जाना ऐसी जगह पर लेने के लिए सामान वामान, ठीक है? और मैं तो कहूँगा गाइस सेकंड हैंड मत ही लो तो का ये अच्छा है। और गाइस मैं किसी को एक्सपोज नहीं कर रहा कभी यार मेरे ऊपर वीडियो बनाने स्टार्ट कर दे लोग, गलत चीज़ है बहुत ज़्यादा। जो इंसान अच्छे पैसे दे रहा है यार उसको वैसा वर्क भी मिलना चाहिए, ठीक है? कोई फ़ायदा नहीं है लैपटॉप खरीदने का। मैंने गाइस पता क्या, मैंने 32 का मुझे पड़ा पूरा अपना HP का, आपको दिखा देता हूँ गाइस, मैं लेके भी आ रहा हूँ लैपटॉप, दिखा दो मैंने कौन सा लिया है, पहले वो देखो आप। आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ पहले ही, जो उसकी आप एडिटिंग देख रहे हो ना सारी मेरी इस लैपटॉप से हो रही है, ठीक है? Adobe Premiere से कर रहा हूँ मैं जो एडिटिंग, मुझे थोड़ा काफ़ी टाइम लगा सीखने में, बट आप फिर भी मैंने सीख लिया, क्योंकि पता है मैंने कैसे सीख पाया, मैंने थोड़ा बहुत YouTube पे सीख लिया था और मेरे थोड़े दोस्त हैं इस काम में है, मतलब एडिटिंग करते हैं अच्छी खासी वो, तो मैंने वो मतलब पूरा कोर्स कर रहे हैं Premiere का और कहना फाइनल कट प्रो का। तो उसने मेरे को ये रिकमेंड किया था ये वाला ले लियो भाई, इसमें थोड़ा ठीक ठाक करके चल जाएगा, जिसका इतना बजट के अंदर गाइस काफ़ी अच्छी चीज़ इसमें चल रहा है, ये काफ़ी अच्छी बात है कि गाइस इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इसके अंदर काम कर रहा है और बिल्कुल भी हैंग नहीं हो रहा, लैग नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ठीक है? तो फिलहाल आपको दिखाता हूँ गाइस मैंने ये लिया, ये वाला लिया गाइस, ये देखो ज़रा HP का मेरे को पड़ा, आपको खोल के दिखाता हूँ उसको। आवाज़ आ रही है। तो गाइस ये देखो ये पड़ गया मेरे को, ठीक है? ये मेरे को पड़ गया 32 का, काफ़ी अच्छा यार, एक नंबर का लगा गाइस मेरे को, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। और सबसे अच्छी बात गाइस के अंदर ये है, देखो इसकी बैटरी रिमूव हो जाती है, इसकी बैटरी निकल जाती है, बहुत अच्छी बात है गाइस। अगर आपकी बाई चांस बैटरी ख़राब हो जाए, मेरे तो फिलहाल वारंटी के अंदर है, बट जिसकी बैटरी ख़राब हो जाए तो वो जाके मार्केट से ले कर आ सकता है और खुद डाल सकता है, ये काफ़ी अच्छी बात है गाइस, इसमें इनबिल्ट नहीं मिलती आपको। तो गाइस काफ़ी अच्छा था, कलर भी मैंने ये वाला ख़रीदा था, कलर मैंने आपको देखो कितने प्यारा लग रहा है ब्लैक कलर के अंदर गाइस, हर कोई बंदा खरीदता है, बट मैंने लिया सिल्वर कलर में, मुझे सिल्वर का काफ़ी अच्छा लगा यार, काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। तो उसको रखते हैं पहले, फटाफट रखते हैं, कंफ्यूज़ नहीं होना है आपको, चीज़ अच्छी लेनी है वहाँ से लैपटॉप मत लेना, अगर आपका कोई जान पहचान का है तो आप ले लो, मैं वो मना नहीं कर रहा। और गाइस देखो मैंने तो नहीं लिया, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा नहीं मत लो बिल्कुल भी, अगर आपकी जान पहचान है तो ही लो, बस मैं ये गाइस यही कहना चाहूँगा आपसे। अगर आपको कोई लैपटॉप चाहिए अच्छा खासा तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जिसको ज़्यादा नॉलेज है आपके, मतलब कोई पड़ोस में जब कोई कहीं भी हो, कोई आपका भाई हो बहन हो जो भी है, जिसको अच्छी नॉलेज है तो उसको अपने साथ लेके जाओ, पहले अच्छी तरह चेक करो चलाओ और उसी टाइम लेके आओ, ठीक है? ये मत कहना कि क्या नाम है आपको पैसे तो दे रहा हूँ वो देते नहीं है, जो देते नहीं है ना गाइस वो समझ लो फ्रॉड बंदा है, ठीक है? तो मैं तो यही कहूँगा गाइस जाओ लैपटॉप बेसक लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अगर आपको साथ दे रहा है तो उनसे खरीदो, ऐसा बिल्कुल ही मत करो गाइस, ठीक है? तो गाइस यही था इस वीडियो के अंदर, और यार देखते हैं आगे क्या होने वाला है, पहले अच्छी वीडियो होने वाली है गाइस, मुझे बताना कि आपको एडिटिंग मेरी कैसी लग रही है, एडिटिंग मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी इस एडिटिंग के अंदर, तो प्लीज़ मेरे को बताना ज़रूर। हाँ भाई वीडियो देखता है हमारी, तब देख लेगा यार। तेरा नाम है अकबर, तेरा एंथनी अमर अकबर एंथनी। हमारा चैनल है यूट्यूब पे, यूट्यूब चलाते हो? यूट्यूब चलाते हो ना, उस पर सर्च करना है SNBRO। यूट्यूब की स्पेलिंग क्या है? यूट्यूब की स्पेलिंग है ना का? आठवीं छठी है,
गाइस देखो आज से ना गाइस ये भी देखेंगे हमारे ब्लॉग्स को भाई देखेंगे पक्का हमारी वीडियो देखोगे ना तेरा सब्सक्राइब करना है कैसे मजे में मजे में काफी अच्छा लगता है इतने प्यारे प्यारे बच्चों से बातें करके ठीक है मैं तो ऐसे बच्चों के साथ खेलते रहता हूँ ज्यादातर कभी टाइम मिलता है क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे हम भी किन्हीं के साथ खेलते थे तो काफी अच्छा लगता है यार आप भी खेला करो अच्छा लगेगा आपको तो गाइस अब कुछ लोग यार ये भी सोचेंगे कि भाई वहाँ पे चोरी के आते हैं क्या सीन होता है चोरी के लैपटॉप गाइस कहीं नहीं होते हैं ये पता है कहाँ से आते हैं इनके पास लैपटॉप जो कंपनियाँ होती है ना मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैपटॉप यूज़ होते हैं कंपनियों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम होता है सारा तो पता है वो उनके पास ये उन वर्करों को दे देते हैं कि तुम्हें ये शॉप वालों को दे देते हैं कि तुम्हें ना ये सेल करने हैं जितने भी सेल कर लो तुम कर लो उनसे वो पैसे ले लेते हैं तो ये सेल हो जाते हैं जितने रुपये में होते हैं बस सेल हो जाते हैं बस ये होता है जब एक साल चीज़ चल जाती है ना वो चीज़ डैमेज ही हो जाती है ठीक है बिल्कुल खत्म सी हो जाती है क्योंकि उसमें कंपनी में काफ़ी सारा काम चलता है वो गाइस कंपनी मतलब सारा जितना भी काम होता है ना तो काम करते रहते हैं वो तो वो ना मतलब ख़त्म से लैपटॉप हो जाता है बिल्कुल मतलब इतना वर्क लायक नहीं होता है ठीक है वो इतना वर्क लायक नहीं होता है तो उसको ना उनको दे देते हैं वो कंपनी में कंपनी वाले जो वो लैपटॉप होते हैं वो तो नया लिए ही आते हैं ठीक है वो उन वर्करों को दे देते हैं शॉप वाले को दे देते हैं तुम्हें सेल करने हैं अपनी शॉप पर ले जा करके गाइस वो ना बस डैमेज हो जाते हैं बिल्कुल क्योंकि एक साल क्योंकि लैपटॉप की जितनी लाइफ होती है ना वो ज़्यादातर एक साल की होती है एक या डेढ़ साल बस इससे ज़्यादा नहीं होती उनकी लाइफ से शूट करने का टाइम भी नहीं मिल पाता यार बस ये एडिटिंग थोड़ी और अच्छी तरह सीख जाऊँ बस खाली और मुझे बताना यार क्या कमेंट करके एडिटिंग कैसी लगी आपको मेरी बाय द वे गाइस आपको वीडियो अच्छी लगे उसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर टिल देन बाय और बाय करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लेना ये आपको मेरा लिंक पूरा मिल जाएगा लिंक नहीं यार यूज़र नेम मिल जाएगा जाओ फॉलो करो फटाफट से आ जाओ यार बात करनी है आपसे सो भाई जाओ फॉलो करो बट बाय बाय चले कंसले वो बांधा।